दोस्तों, भारत में एक से एक खूबसूरत और भव्य मंदिर हैं, जो लोगों का मन मोह लेते हैं। इन मंदिरों को देखने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें चमत्कारी और रहस्यमय माना जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन उन रहस्यों को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, अगर हम किसी फल या फूल को एक साल तक यूं ही रखा रहने दें तो क्या होगा? दोस्तों, प्रकृति के हिसाब से तो वो सड़ जाएगा, सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी देंगे जिसका दरवाजा साल में बस एक ही बार खुलता है, और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इसमें फल फूल आदि वैसे के वैसे ताजे के ताजे बने रहते हैं, जैसे कि उन्हें एक साल पहले बंद किया गया था। है ना ये हैरान कर देने वाला रहस्य? दोस्तों, ये सच है। उस मंदिर का नाम है हसनंबा मंदिर। ये मंदिर देवी शक्ति का मंदिर है जिसमें लोगों की काफी आस्था जुड़ी हुई है। शायद ही आपको इस मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी हो या फिर आपने इसके बारे में पहले कभी सुना हो। यहाँ के चमत्कार इतने निराले हैं कि कोई ऐसे चमत्कारों की कल्पना भी नहीं कर सकता। इन सभी चमत्कारों के साथ ही साथ इस मंदिर में एक ऐसा पत्थर रखा है जो अपने आप ही मंदिर की मूर्ति की तरह धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जब ये पत्थर मूर्ति के चरण को छू लेगा तो कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना आज तक कोई नहीं कर पाया है। दोस्तों, आखिर क्यों यहां पर फल फूल इस मंदिर में लगभग एक साल के बाद भी ताजे बने रहते हैं? आखिर क्यों बढ़ रहा है ये पत्थर मूर्ति की तरफ? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कर्नाटक के हसन में देवी शक्ति का ये बहुत ही प्राचीन 12वीं शताब्दी का मंदिर है। ये मंदिर दिखने में आम भारतीय मंदिरों जैसा ही है, परंतु इस मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसको सुनने के बाद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, दरअसल ये मंदिर साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। इस मंदिर को जब बंद करने का वक्त आता है तब पुजारी जी घी का दीपक जलाते हैं और उसके साथ ताजे फल फूल और प्रसाद के लिए पके हुए चावल रखते हैं, और फिर उस मंदिर को एक साल के लिए बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, जब यह मंदिर एक साल बाद फिर से खोला जाता है तब मंदिर में रखे हुए ताजे फल फूल और प्रसाद के लिए रखे हुए पके चावल वैसे के वैसे ताजे मिलते हैं। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो दीपक भी जलता हुआ दिखाई देता है जो मंदिर को बंद करने से पहले जलाया गया था। दोस्तों, इस दृश्य को देखने के बाद आप सबकी मां शक्ति के प्रति आस्था और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप इस दृश्य को सामने से देखेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है, कैसे ये सारा चमत्कार हो रहा है। लेकिन ये पूरी तरीके से सच है, और वैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की पर सभी नाकाम रहे, और यहाँ के पुजारियों और भक्तों ने भी इस मंदिर के साथ छेड़खानी करने के लिए उन लोगों को मना किया क्योंकि इससे उनकी आस्था जुड़ी हुई है और वो अपनी आस्था के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के अंदर एक पत्थर रखा हुआ है जो हर साल मंदिर की मूर्ति की तरफ अपने आप ही बढ़ जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि जब ये पत्थर मंदिर की मूर्ति को छूलेगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा और हमारी धरती के विनाश के साथ एक प्यारी सी और नई दुनिया का जन्म होगा। दोस्तों, कहते हैं कि कई बार इस मंदिर की मूर्ति को चुराने की भी कोशिश की गई, पर जितनी बार भी ये कोशिश हुई सब के सब पत्थर में तब्दील हो गए। दोस्तों, इतने सारे रहस्य और चमत्कारों की वजह से इस मंदिर के ऊपर कई बार चमत्कारों की जांच करवाने की कोशिश की गई। वो कहते हैं कि इस मंदिर के पीछे के रहस्य को सबके सामने लाया जाए। हसनंबा मंदिर के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो मंदिर को बदनाम करने में लगे हुए हैं, और कुछ का तो ये भी आरोप है कि मंदिर के पूजा के दौरान अभियान चलाने वाले लोगों को क्रिश्चियन मिशनरीज की ओर से धन दिया जाता है। ये सब होने के बावजूद आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर एक साल तक कोई भी फल फूल और प्रसाद के रूप में ताजे पके हुए चावल
कैसे एक साल तक एकदम पहले जैसे यानी कि ताजे बने रह सकते हैं। और साथ ही साथ एक दिया जो एक साल पहले जलाया जाता है वो पूरे एक साल तक जलता रहता है। ये सब रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। दोस्तों, इन सभी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या भारत में स्थित मंदिरों के रहस्य और चमत्कारों के साथ छेड़खानी करना जरूरी है या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? क्या आपने इससे पहले कभी ऐसे मंदिरों के बारे में सुना है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।